नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन बाकरिया आपके लिए लेके आया हूँ आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन नंबर थर्ड। इससे पहले पहले पढ़ने सेशन नंबर फर्स्ट और सेशन नंबर सेकंड में किसनों के बारे में अवलोकन किया था। आज अपन अवलोकन करते हैं सेशन नंबर थर्ड से कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हें किस प्रकार से सोल्व आउट किया गया है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्साइड प्रभाव देगा। अपन ने मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ नियम पढ़ा था जब एल्किन असीमित एल्किन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, असीमित एल्किन की अभिक्रिया HBr के साथ प्रोक्साइडों की उपस्थिति में या ऑक्साइडों की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो अपने को हाइड्रोजन या फिर ये ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऑक्साइड प्रभाव कौन दर्शाएगा आपका, HBr। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, HBr। ठीक है, और ये कौन से एंटी मार्कोनिकोफ रियूल से, किससे, एंटी मार्कोनिकोफ रियूल से, तो ये ऑक्साइड प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रिया का नाम है, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड से करवाई जाती है, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड से करवाई जाती है तो टोलुइन का निर्माण होता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या कहलाती है आपकी, फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और यह किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो इस रिएक्शन को अपन करके देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन की जाती है। तो देखिए यहाँ से अपना है बेंजीन, ये अपनी क्या है आपकी बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड से, किससे, एल्किल क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये देखिए HCl तो क्या हो जाता है, निकल जाता है और टोलुइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है आपका, टोलुइन का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है टोलुइन, और इस अभिक्रिया का नाम है फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आपकी, फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो अपना है, निम्न में से कौन सा यौगिक फिनोल्स के साथ संघनित होकर प्लास्टिक बेकलाइट का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए आपका फिनोल के साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर किसका निर्माण करता है, नोवेलक का निर्माण करता है, और नोवेलक के संघनन से किसका निर्माण होता है आपका, आपकी बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, CH3, SCHO, ये इसका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बेकेलाइट की एकलक इकाई होगी, तो बेकेलाइट की एकलक क्या होती है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल प्लस ही फॉर्मेल्डिहाइड से नोवेलक का निर्माण होता है, नोवेलक से बेकेलाइट का निर्माण होता है, नोवेलक को छोटा बेकेलाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिग्लर नाटा उत्प्रेरक है, जिग्लर नाटा उत्प्रेरक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, R3Al प्लस TiCl4 के मिश्रण को जिग्लर नाटा उत्प्रेरक कहा जाता है। R3Al प्लस TiCl4 के मिश्रण को क्या कहा जाता है आपका, जिग्लर नाटा उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिक्रम की एल्कोल के साथ क्रिया का सही क्रम होगा। ध्यान दीजिए जो 3 डिग्री एल्कोल होते हैं वह है क्या करते हैं, तुरंत प्रभाव से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसका क्या होगा, इनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगला देखिए, निम्न में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देते हैं, वे जिनकी कार्बोनिल समूह के पास मिथिल समूह उपस्थित होता है वह तो क्या देते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, और अन्य कोई भी क्या नहीं देता आपका, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। जैसे मेरे पास क्या है आपका, पहला है एसीटीएल्डिहाइड, पहला मेरे पास क्या है आपका, एसीटीएल्डिहाइड है, तो मैं एसीटीएल्डिहाइड को सोल्व आउट करता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आता है CH3C(OH), तो यहाँ से देखिए इसके पास क्या समूह उपस्थित है, मिथिल समूह उपस्थित है एसीटोन के पास, CH3C(OH)CH3। इसके पास भी दो मेथिल समूह उपस्थित होते हैं, 2 एल्केनोन, यही आ गया आपका, ठीक है, इसके पास उपस्थित है। और यहाँ से देखिए C2H5 और C(OH), इसके पास एथिल समूह उपस्थित होता है, अर्थात यह वाला यौगिक क्या नहीं देगा आपका, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। अगला देखिए,
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होता है आपका 100% शुद्ध, प्योर शुद्ध क्या कहलाता है आपका, ग्लेसेटिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ग्लेसेटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह है ऑर्थो एवं में पैरा निर्देशी है। ध्यान दीजिए, नाइट्रो समूह आया हुआ है, कार्बोक्सी आया हुआ है, फार्मेल्डिहाइड समूह आया हुआ है और हाइड्रोक्सी समूह आया हुआ है। मैं आपको ये चीज बता दूं, NO2, COOH और CHO, यह तीनों कौन से समूह होते हैं, मेटा निर्देशी समूह होते हैं। कौन से समूह होते हैं आपकी, मेटा निर्देशी समूह है और हाइड्रोक्सी समूह है। कौन सा आपका, हाइड्रोक्सी समूह है, क्या होता है आपका, पैरा और ऑर्थो निर्देशी समूह होता है। कौन सा होता है आपका, पैरा और ऑर्थो निर्देशी समूह होता है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, OH- अर्थात हाइड्रोक्सी समूह है आपका ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह है और ये तीनों कौन से होते हैं, मेटा निर्देशी समूह होते हैं। अगला देखिए, DDT बनाने में डाइक्लोरो डाइमेथिल टेट्राएमिन, ये देखिए DDT बनाने में, DDT कीटनाशक होता है, बनाने में किसका योग है, किस योगिक का प्रयोग किया जाता है, C6H5Cl का प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्लोरोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, बर्जिस प्रक्रिया में कृत्रिम पेट्रोल बनाने में उपयोग होगा। ध्यान दीजिए, बर्जिस प्रक्रिया में वाटर वाटर गैस और H2O का क्या किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है किसके, कौन से प्रक्रम में, बर्जिस प्रक्रम में, जिससे कृत्रिम पेट्रोल का निर्माण होता है। अगला देखिए, प्राकृतिक रबड़ का चयन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी बारी से पूछा गया है। प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई होगी, तो ध्यान दीजिए, पॉली आइसोप्रीन ये क्या होती है आप किसकी एकलक इकाई, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर की, इसमें ये पूछा कि प्राकृतिक रबर का चयन कीजिए, तो प्राकृतिक रबर तो क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई होगी तो वो होगी आपकी आइसोप्रीन, क्या होगी आपकी आइसोप्रीन होगी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पृथक करने में काम आता है, तो आपका होता है C6H5SO2Cl का प्रयोग करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पृथक किया जाता है। आपके लिए खुशखबरी भी है कि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया, क्योंकि एमीन का बहुत बड़ा पार्ट था जिसको सिलेबस से हटा दिया गया, उसकी जगह सोल केमिस्ट्री को डाल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड क्रियाविधि प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आसानी से क्रियाविधि प्रदर्शित नहीं करते, तो आपका एल्किल ब्रोमाइड CH3Br क्या करता है, आसानी से एल्किल हैलाइडों की क्रियाविधि प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, C4H8 के आणविक सूत्र से एल्कीन के अधिकतम समावयव, अब इसमें सब प्रकार के समावयव आ जाते हैं, सब प्रकार के समावयव भी आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कौन कौन से समावयव का निर्माण करता है उसके बारे में देखते हैं। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, आणविक सूत्र क्या है मेरे पास, आणविक सूत्र के एल्किन के अधिकतम समावयव, जो चाहे प्रकाशिक समावयव भी हो, चाहे आपका कौन सा समावयव भी हो, आपका प्रकाशिक हो, त्रिमीय रसायन हो, या आपके संरचनात्मक समावयव में से कोई भी हो, ये कितनी समावयव प्रदर्शित करता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। 5 कैसे बनाता है वो देखिए, फॉर्मूले से देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो एक तो क्या बना लिया, श्रृंखला समावयवी, दो तो बनाता है श्रृंखला समावयवी, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये दो दो तो बना लिया श्रृंखला। फिर आती है आपकी स्थिति के बारे में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आ गई आपकी 3। कौन सी आ गई आपकी, ये आपकी स्थिति समावयवता, कौन सी आ गई आपकी स्थिति, ये दो श्रृंखला है, ये स्थिति है, ये क्या आपकी स्थिति। फिर आती है आपकी क्रियात्मक समूह, ध्यान दीजिए ये कौन सा एल्किन, एल्किन एल्किन आ रहा है ना, अब इससे यू बना दिया जाए, CH2 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 CH2, अर्थात साइक्लोब्यूटेन का निर्माण कर दिया जाए। सबका अलग अलग नाम ले देता हूँ, इसका नाम होता है 1-ब्यूटीन, क्या होता है आपका 1-ब्यूटीन, इसे कहते हैं आइसोब्यूटीन, इसे क्या कहते हैं आइसोब्यूटीन, और IPUC नाम की बात की जाए तो आता है 2-मेथिल 2-मेथिल प्रोपीन, क्या था आपका प्रोपीन, इसकी बात की जाए तो ये क्या जाएगा 2-ब्यूटीन, ये क्या जाता है आपका 2-ब्यूटीन, और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटीन
से ब्यूटेन बन गया, ब्यूटीन से क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, तो ये क्या आती है आपकी क्रियात्मक समूह समावेता आती है। और एक कर्ता ये है ज्यामिति समावेता प्रदर्शिती कर्ता, जिसके सिस और ट्रांस रूपी बनते हैं, क्या बनते हैं, सिस और ट्रांस रूपी बनते हैं, तो ये ज्यामिति समावेता प्रदर्शित करता है, यह आपके क्रियात्मक समूह समावेता प्रदर्शित करता है, यह आपकी स्थिति समावेता प्रदर्शित करता है, यह श्रृंखला करता है, तो टोटल समूह की संख्या कितनी आ जाती है, पांच, कितनी आ जाती है आपकी, पांच आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका CH3 का ऑल्ट ट्वाइस CH, CWH का IPC नाम होगा। देखिए इसको मैं इसको यूं इस तरीके से लिख दूं, इसको मैं ध्यान दीजिए, ये अपना है CH3 CH3 डबल बोन CH CH2 CWH, आप CH CWH आ जाएगा, यहाँ CH CWH। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3 4, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, नाम लिखना है, तो क्या जाएगा आपका, थ्री मेथिल, क्या आएगा आपका, थ्री मेथिल टू ब्यूटेनिक, यहाँ पे देखिए मेथिल थ्री मेथिल, यहाँ थ्री आ रहा है, ब्यूटेनिक देखिए कितनी, देखिए अब जो आपका क्या रहा है, ये आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसकी स्थिति कितनी आ रही है, दो आ रही है, तो देखिए थ्री मेथिल टू ब्यूटेनोइक अम्ल है आपका, ओइक अम्ल तो किसका आ जाता है, CWH का जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, थ्री मेथिल टू ब्यूटेनोइक अम्ल है। अगला देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसीटोन व एथेनॉल निम्न में से किस अभिकर्मक के साथ आसानी से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, देखिए टोलेन अभिक्रमक एल्डिहाइड के साथ करता है, फेलिंग विलयन एल्डिहाइड के साथ करता है, ल्यूकास अभिक्रमक आपके एल्कोहलों के साथ करता है, और इटकेटोन के साथ नहीं करता, परंतु गिडनार अभिक्रमक ऐसा है जो किसी के साथ भी अभिक्रिया प्रदर्शित करवाइए, ये आसानी से अभिक्रिया प्रदर्शित कर देता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गिडनार अभिक्रमक के साथ। अगला है प्रियोन 112 की संरचना निम्न में से कौन सी है, तो प्रियोन 112 की संरचना होती है C2F4Cl2, जो पहली पहली होती है C2F4Cl2 होती है वह प्रियोन 114 की होती है, और ये होती है प्रियोन 112 की, तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रियोन 112 की संरचना क्या होगी, C2F2Cl4 प्रियोन 112 की क्या होती है संरचना। एरोमेटिक यौगिकों में प्रतिस्थापन होते हैं, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते हैं, नाभिकस नहीं होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं या बहुलीकरण, एरोमेटिक यौगिक किस प्रकार के अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो वह करते हैं आपकी नाभिकस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं प्रतिस्थापन तो कौन करता है आपका, एल्कोहल, कौन करता है आपका, एल्कोहल करता है, और नाभिकस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं आपकी एरोमेटिक यौगिक, जिसमें बेंजीन फिनोल ये सारे क्या करते हैं आपके नाभिकस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शन नहीं करते, तो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाभिकस नहीं। नेक्स्ट देखिए न्यूप्रीन के लिए, न्यूप्रीन किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है, तो न्यूप्रीन 2-क्लोरो-1-3-ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से न्यूप्रीन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है आपका, न्यूप्रीन का निर्माण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला। नेक्स्ट देखिए RCH2CWH का क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है हेलो वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया, यह कहलाती है आपकी हेलो वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया, ठीक है। किन्हीं चारों में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग लेता है, एल्डोड में इसमें जिसमें आपका क्या उपस्थित नहीं हो, ध्यान दीजिए किन्हीं चारों में फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात इसमें क्या मतलब इसके पास अल्फा का हाइड्रोजन है वो अनुपस्थित हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, और हेलो वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया ये क्या कहलाती है आपकी, हेलो वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है RCN प्लस SNCl2 प्लस HCl के से अभिक्रिया करने पर ये उत्पाद बनते हैं, और अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है स्टीपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपको, स्टीपन अभिक्रिया, मैंने आपको बारी बारी से बोला है कि एक चार्ट बना लीजिए नेम रिएक्शन का, नेम रिएक्शन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको आसानी होगी, ये जो चार्ट बनाएंगे आप उसे डेली देखिए, डेली देखने से आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अगला है फिनोल व क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ उपस्थिति में करवाने पर क्या बनता है, ध्यान दीजिए इसे सेली सेली एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जब फिनोल व क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो सेली सेली एल्डिहाइड की का निर्माण होता है, ठीक है। रसायन रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में सतह
स्वयं का अपचयन भी होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण भी होता है, तो वो है एकमात्र यौगिक है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अगला देखिए, व्यावसायिक एल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने में मिलाया जाता है, ये जेड 2018 में आया था, कॉपर सल्फेट सल्फेट प्लस ब्रिडीन मिलाने पर, ध्यान दीजिए, व्यावसायिक एल्कोहल क्या हो जाता है पीने अयोग्य हो जाता है, क्या हो जाता है कॉपर सल्फेट प्लस ही ब्रिडीन। सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है ल्यूकास अभिक्रमक, क्या कहलाता है आपका ल्यूकास अभिक्रमक, सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है। अगला देखिए, अम्ल की प्रबलता की घटती हुई क्रम को बताइए, अम्ल की प्रबलता की घटती हुई क्रम को बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे कम प्रबलता अम्ल तक किसकी होती है, पेरानाइट्रोफिनोल की होती है, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की, और फिर होती है आपकी मेटानाइट्रोफिनोल की। तो ध्यान दीजिए, इनकी घटता सबसे अधिक किसकी होती है, पेरानाइट्रोफिनोल, फिर ऑर्थो, फिर आपका आता है मेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका सेकंड, सबसे अधिक किसकी होती है पेरानाइट्रोफिनोल की, फिर ऑर्थो की, फिर क्या होती है आपकी मेटा की। निम्न अभिक्रिया से उत्पाद बनेगा, ध्यान दीजिए, यहां से HCl निकल के क्या बना लेगा फॉर्मेल्डिहाइड, किसके बना लेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, तो मीन्स RCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये जेड 2018 में भी आया है और जेड 2019 में भी आया है। तो ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा एल्कोहल, क्या देखकर दर्शाते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब एल्किलाइड की अभिक्रिया KOH के साथ करवाते हैं तो क्या होता है आपका नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन करेगा फोर्थ ऑप्शन RX प्लस KOH से एल्कोहल का निर्माण होता है। इससे HBr मिलाने पर भी बनता है बिल का एल्कोली माध्यम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाने पर यह बनता है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका एक का क्या जाएगा आपका प्रोपीन, एक रिएक्शन आप करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं क्योंकि आप ही प्रयास करके देखिए। नेक्स्ट देखिए, सेक्रीन का रासायनिक नाम होता है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, इसका क्या होता है रासायनिक नाम होता है। तो ध्यान दीजिए, सब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसी बनती है, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनती है, यहां से बनाइए स्ट्रक्चर बेंजीन समूह के अपन यदि क्या जोड़ दिया जाए, यहां से देखिए डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ई एस सल्फर, तो इसे कहते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, इसे क्या करते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड का ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसे सेक्रीन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है आपका सेक्रीन भी कहा जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन फ्रेडल प्राप्त अभिक्रिया नहीं देता है, देखिए फिनोल देता है, क्लोरीन देता है, क्लोरोबेंजीन देता है, बेंजीन देता है, तो ओनली क्या नहीं देता एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। एक ही पद में एसिड क्लोराइड की संगत एल्डिहाइड परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त अभिक्रमक क्यूनोलिन प्लस PDBSO4 का प्रयोग करके इसको क्या किया जाता है एल्डिहाइड में बदला जाता है। देखिए, केटोन व हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रेट का बनना किसका उदाहरण है न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, इसका एग्जाम आंसर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। अल्फा क्लोरो एसिडिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया अनुकूल है HVZ हेलोवोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, क्या कहलाती है आपकी अल्फा क्लोरो एसिडिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया सबसे अनुकूल कौन सी है HVZ। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, मैंने अभी बताया था एल्किलाइड की भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कार्बोकेटाइन सर्वाधिक स्थायी है, कार्बोकेटाइन देखिए सर्वाधिक स्थायी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कार्बोकेटाइन से कार्बोनेन का स्थितोक्रम क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो आंसर क्या जाएगा आपका CH3, ये आपका कौन सा होता है 3 डिग्री कार्बन, ये कौन सा होता है आपका सर्वाधिक स्थायी क्या होता है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित असंतरता की जांच करने के लिए
किसकी जात की जाती है? ध्यान दीजिए, बैर विक्रमक से। किससे की जाती है आपकी? बैर विक्रमक से। नेक्स्ट देखिए अभिक्रिया, जब एथीन प्रोपेन की अभिक्रिया एचबीआर के साथ करवाने पर ये उत्पाद प्राप्त होता है, यानी टू ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण होता है। तो टू ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण होता है तो ये सामान्य एल्किन की अभिक्रिया हो गई। जब सामान्य एल्किन की अभिक्रिया है तो कौन सी एल्किन और एल्काइन कौन सा दर्शाते हैं? आपकी दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है और इस क्वेश्चन को गलत करके क्या किया है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया किया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रोक्साइडों की उपस्थिति के बारे में नहीं पढ़ा। यदि यहाँ पर प्रोक्साइडों की उपस्थिति आ जाती, यही पढ़ लिया कि असमित एल्किन है एचबीआर है तो आपके मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया देगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अनुपस्थिति में था ये सारा काम। किसके में था? अनुपस्थिति में था एचबीआर, यानी प्रोक्षण उपस्थित नहीं था, तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे अपने तीन सेशन कंप्लीट होते हैं। अगले सेशन में इसके कुछ और जे 2004 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।